यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद लखनऊ में चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस चुनाव में 52 लाख बैलेट पेपर लगेंगे। इसके साथ ही जिले में चुनाव कराने के लिए करीब 12,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान पद के लिए एक साथ मतदान कराने के लिए हर एक बूथ पर 5 मतदान कर्मी मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने राजधानी के अलग अलग विभागों और कार्यालयों के करीब 24,500 कर्मचारियों की डाटा फीडिंग का काम पूरा कर लिया है। अब इन्हीं में से करीब 12,000 कर्मचारियों की तैनाती पंचायत चुनाव के सभी मतदान बूथों पर की जाएगी। गाजियाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश में काफी प्रभावी माना जाता है। यही वजह है कि इस पद को पाने के लिए राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ रहती है। जातिगत आंकड़ों को देखें तो इस पद पर ज्यादातर बार जाट, गुर्जर, त्यागी और मुस्लिम वर्ग से जुड़ा व्यक्ति ही काबिज रहा है। जिला पंचायत का बजट 80 करोड़ है जबकि सदस्यों की संख्या 14 है। 5 लाख मतदाता वाले गाजियाबाद जिला पंचायत में अध्यक्ष पद अनारक्षित घोषित किया गया है। इसके बाद बीजेपी समेत कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के उन दावेदारों की बाछें खिल गई हैं जो आरक्षित सीट होने के कारण सदस्य का चुनाव जीतने के बाद भी ये पद हासिल नहीं कर पाते थे। हालांकि सबसे ज्यादा दावेदार बीजेपी को ही माना जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल के पास ही रहा है और वही अपने अनुसार वोट को चलाता आया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 4 सोसाइटियां हैं। 3,000 से ज्यादा लोग उनमें रहते हैं लेकिन सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। लूट, अपहरण, हत्या, छेड़छाड़ की कई वारदात हो चुकी है। ऑफिसर सिटी, अजनारा, इंटीग्रिटी, गौड़ कास्केट सोसाइटी की सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहां से ब्रेव हार्ट सोसाइटी की ओर बढ़ने पर भी अंधेरा रहता है। सड़कों पर यह अंधेरा दो विभागों की मूंछ की लड़ाई की वजह से है। रेजिडेंट्स ने इसकी कई बार शिकायत की। नगर निगम में गए तो जीडीए में जाने के लिए कहा गया। जीडीए में शिकायत लेकर पहुंचे तो नगर निगम की जिम्मेदारी बताई गई। नगर निगम यहां हाउस टैक्स के लिए नोटिस भेज रहा है लेकिन सुविधाओं की जिम्मेदारी जीडीए की बता रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां मिर्जापुर गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को तपोच लिया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और 3 कारें बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को ग्रेटर नोएडा में मिर्जापुर गांव के पास कुछ बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। तभी एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि पर जब पुलिस ने पूछताछ करनी चाही तो वो भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। नोएडा की एक सोसाइटी में 8वीं की एक छात्रा दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। बालकनी में कुर्सी पर चढ़कर 14 साल की अंशिका पौधों को पानी दे रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वो 5वें फ्लोर से नीचे आ गिरी। बुरी तरह जख्मी अंशिका को तुरंत परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। परिवार के मुताबिक घटना के वक्त बच्ची का एक छोटा भाई भी पास में खेल रहा था।